फोरहेड पे एक राउंड सा निशान है एकदम, जैसे रिंग की तरह। कैसे हुआ है ये? ये दाद हुआ था तो मम्मी ने निरमा चूना लगा दिया था, उसके वजह से जल गया था बचपन में ही लगा दिया गया था। जी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से, बैकुंठपुर। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसके दौरान इधर आए अच्छा, अभी इसमें हम लोग इसका रिवीजन सर्जरी करेंगे, क्योंकि जी। काफी बड़ा साइज हो रहा है, बीच में कुछ नॉर्मल स्किन भी है, तो पूरे को एक स्कार समझते हुए फिर उस टाइप से करना होगा। इसमें जी शुरू में एक पतला सा लकीर की तरह, स्क्रैच की तरह रहेगा, जो बाद में लेजर करने से लगभग खत्म हो जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। इसका रिवीजन सर्जरी हुई थी अभी से 10 डेज पहले। आज हम लोग स्टिचेस निकाले हैं, और जी पहले कैसा कुछ ऐसा स्कार था बीचों बीच, एकदम राउंड सा। जी और कैसे हुआ था ये स्कार? बचपन में दाद हुआ था तो मम्मी ने निरमा चूना लगा दिया था, जिसकी वजह से जल गया अच्छा, तो एकदम गोल सा स्कार और काफी बड़ा सा स्कार हम लोग इससे निकाले थे कट करके। जी। लेकिन बड़े स्कार को भी निकालने के बाद अगर प्रॉपर सर्जरी होती है तो रिजल्ट अच्छा आता है। आप में अगर हम लोग 1 महीने, 1 वीक के बाद रदर अभी देख रहे हैं, तो एक हल्का सा फेंट सा लाइन, और वैसा लाइन फोरहेड पे ऐसा क्रीज की तरह रहता है लोगों में, एक उम्र के जी बाद तो सब में रहता है। जी और आप में जो ये हल्का सा एक स्क्रैच की तरह लाइन दिख रहा है, ये भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। एकदम साइड से जूम करके भी देखते हैं तो हल्का सा निशान है। जी इसमें एंटी स्कार मेडिसिन लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, और 1 महीने के बाद आएंगे आप फिर से एक बार, जी एक सेशन लेजर कम से कम करेंगे, और जी बहुत अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। लाइट भी अगर बंद कर दें इसका हम लोग, तो यहाँ कुछ ये है, एकदम फाइन मिला हुआ है, और नॉर्मल स्किन क्रीज की तरह ही दिख रहा है ये। जी एक सेशन लेजर से चीजें अच्छी, आपको अच्छा लग रहा था, जी बहुत वो एकदम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्कार आपका। जी आप आई हैं छत्तीसगढ़ जी रायपुर से, बैकुंठपुर, कौन कौन सा बैक? बैकुंठपुर अच्छा, तो चलिए बढ़िया रहेगा रिजल्ट, बेस्ट ऑफ लक।